जनादेश एनएक्स में हम आप तक खबरें और मनोरंजन ही नहीं, क्या कह रहे हैं आपके सितारे ये बात तक पहुंचाएंगे। तो आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर कुमार गालानी के साथ क्या कह रहे हैं आपके सितारे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीओ के जनादेश एनएक्स, आपके सितारे, और मैं हूं कुमार गलानी आपके साथ। कैसा रहेगा आपका आने वाला सप्ताह, आपको बताएंगे आज के इस एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले व्रत, तिथि व त्यौहार। 26 नवंबर को है विनायक चतुर्थी और 29 तारीख को है काल भैरव जयंती। ये थे व्रत, तिथि व त्यौहार। अब चलते हैं राशि फल की ओर। पहली राशि है मेष। सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, धन प्राप्ति के योग है, वह रुका हुआ धन मिल सकता है। सप्तमेश बैठा हुआ शुक्र आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा व नए अवसर प्रदान करेगा। लेकिन एकादश भाव में बैठा हुआ मंगल आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आपके वाणी के वजह से बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। इसके निवारण हेतु आप हनुमान जी की पूजा करें व हनुमान के समक्ष घी का दीपक जलाएं। भाग्य साथ देगा 80%। अगली राशि है वृषभ। सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, द्वितीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको धन की प्राप्ति कराएगा। लेकिन सप्तमेश बैठा हुआ सूर्य, बुध व गुरु आपको मेहनत कराएंगे व मेहनत से ही भाग्य उदय होगा। भाग्य साथ देगा 70%। अगली राशि है मिथुन। सप्ताह की शुरुआत खर्चों की वृद्धि से होगी, लगन में चंद्रमा आने के बाद आपके सेहत में सुधार होगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। छठे भाव में बैठा हुआ गुरु आपको नए अवसर प्रदान करेगा, लेकिन सेहत में भी प्रॉब्लम्स दे सकता है। इसके निवारण हेतु आप तीन के लिए शिव मंदिर में रखें व देव ओम देव गुरु बृहस्पति का जप करें। भाग्य साथ देगा 70%। अगली राशि है कर्क। पुराने दोस्त व मित्रों से मुलाकात हो सकती है, भाई बहनों से संबंधों में सुधार होगा। ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है आपके लिए, आप सह परिवार कहीं घूमने जा सकते हैं। वाहन संभल कर चलाएं, निवारण हेतु आप चावल का दान कर सकते हैं। भाग्य साथ देगा 90%। अगली राशि सिंह। सप्ताह की शुरुआत खर्चों से होगी व अनावश्यक खर्चे होंगे, आप वाहन भी ले सकते हैं। मकान प्राप्ति के काफ़ी अच्छे योग है, संतान प्राप्ति के भी योग हैं, वह संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन सप्तमेश बैठा हुआ मंगल आपको वैवाहिक जीवन में तनाव कर सकता है। इसके निवारण हेतु आप शिव भगवान को दही से अभिषेक करें। भाग्य साथ देगा 80%। अगली राशि है कन्या। सप्ताह की शुरुआत धन प्राप्ति के योग से है, अचानक धन लाभ हो सकता है। शेयर्स व कमीशन वालों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। तृतीय बैठा हुआ गुरु घर में मांगलिक कार्य करा सकता है। छठेश बैठा हुआ मंगल आपको सेहत में प्रॉब्लम्स दे सकता है, इसके निवारण हेतु आप शिव जी पे जल चढ़ाएं। भाग्य साथ देगा 90%। अगली राशि है तुला। सप्ताह की शुरुआत धीमी रहेगी, चंद्रमा के राशि परिवर्तन के बाद मध्य सप्ताह के बाद आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन धन को लेकर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके निवारण हेतु आप सूर्य भगवान को जल दे व ओम भास्कराय नमः का जप करें। भाग्य साथ देगा 60%। अगली राशि है वृश्चिक। सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, सप्तमेश बैठा हुआ चंद्रमा आपको व्यवसाय के लिए यात्रा पर आप जा सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा का सोच रहे हैं, वीज़ा के लिए सोच रहे हैं, ये सही समय है। मध्य सप्ताह के बाद चंद्रमा के राशि परिवर्तन के बाद आपको वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, इसके निवारण हेतु आप प्योर घी का दान करें। भाग्य साथ देगा 70%। अगली राशि है धनु। सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, जो लोग नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं, वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। चंद्रमा आपको हर कार्य में सहयोग देगा व सफलता प्रदान करेगा, आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। भाई बहनों को लेकर तनाव हो सकता है, इसके निवारण हेतु आप तुलसी पर
जल चढ़ाएं, भाग्य साथ देगा 80%। अगली राशि है मकर। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है, इसके लिए आपके मन में तनाव हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसके निवारण हेतु आप दूध का छिड़काव करें घर में। व मध्य सप्ताह के बाद चंद्रमा के राशि परिवर्तन से आपको व्यवसाय में सफलता व जीवन साथी के सहयोग से हर कार्य में सफलता मिलेगी, भाग्य साथ देगा 70%। अगली राशि है कुंभ। सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, व्यवसाय में सफलता मिलेगी। पंचमेश बैठा हुआ चंद्रमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, वह संतान प्राप्ति के भी योग है। मध्य सप्ताह के बाद आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, वह मेहनत से ही आपके भाग्य में उदय होगा। दूसरों के वजह से आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप करें, इसे हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, भाग्य साथ देगा 70%। अगली राशि है मीन। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, चतुर्थ बैठा हुआ चंद्रमा आपको व्यवसाय में सफलता दिलाएगा। वह अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं या घर कंस्ट्रक्शन कराने का सोच रहे हैं तो ये सही समय है, मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। द्वादश बैठा हुआ मंगल आपको प्रॉपर्टी दिलाएगा, वह प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन भी करा सकता है, भाग्य साथ देगा 70%। ये था आने वाले सप्ताह का भविष्य। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार। टीवी के साथ साथ अब आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। सिर्फ आपको YouTube पे सर्च करना है टीओ के जनादेश और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। इसी के साथ साथ तुरंत ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जनादेश।